संकेत ये माना जाए कि डबवाली से इस बार चुनाव लड़ेंगे आप? डबवाली से चुनाव लड़ना ना लड़ना या किसको टिकट मिलनी है ये तो पार्टी ने तय करना है, मगर मैं ये मानता हूँ कि ये क्षेत्र हमारा अपना परिवार है। पीछे दुष्यंत जी ने भी 4.25 सालों में अपनी कलम की ताकत से होने वाले कामों के लिए डबवाली के लिए कभी उसको कलम को रोका नहीं। डबवाली पुलिस जिला तो बना, लेकिन अब जिला की दुष्यंत जी ने ये प्रतिबद्ध थे कि पुलिस जिला हम इसको बनाएंगे, और सामाजिक संगठनों की एक बड़ी मांग है कि इसको पूरा जिला बनाएं। सबसे पहले इस बात की आवाज़ उठाई थी आज से कई सालों पहले कि डबवाली को पूरा जिला बना देना चाहिए, सिर्फ नशे वाले उस पर नहीं, इसकी डेवलपमेंट पर इसका बहुत ज़्यादा असर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा .com। इस वक्त मौजूद हूं डबवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव मोजगढ़ में, और मेरे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव हैं दिग्विजय सिंह चौटाला। आज मौजगढ़ की गौशाला में पहुँचे हैं और कमेटी की ओर से बड़ी लिस्ट दी गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेटी ने एक शेड की मांग की थी जी। और लंबे अरसे से मेरा आना ड्यू था जी। और वैसे तो मैं ये कहूँ एक आदमी अकेला तो कुछ नहीं कर सकता जी। मगर जिस लायक हम हैं उस लायक तो कम से कम सबको अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी करनी चाहिए जी। तो गौशाला में शेड की मांग की थी जिसके लिए हमने 10 लाख रुपये देने का फैसला किया है कि 10 लाख रुपये का शेड हम यहाँ पर अगले महीने दो महीने के अंदर बनवाकर, जिससे तूड़ी जो है ये पीछे हम देख रहे हैं तूड़ी सारी बाहर पड़ी है, बरसात का मौसम है और बड़ा नुकसान हो रहा है हमारे यहाँ पर, तो इसका शेड बन जाए जिससे तूड़ी कवर हो जाए। और आगे मैंने ये आश्वस्त किया है भाई आगे की जिम्मेवारी जैसे जैसे बताते रहोगे वैसे वैसे उसको अदा करते रहेंगे, तो हमारा परिवार है और इन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया है कि हम सब मिल करके नशे के खिलाफ एक इस बड़ी मुहिम में ये सब भी हिस्सेदार बन करके अपनी डबवाली को स्वच्छ डबवाली बने। स्वच्छ डबवाली कैसे बने? आपने भी चिंता जताई नशे को लेकर। संकल्प दिलवाया गौ सेवा का, मैंने इनसे संकल्प दिलवाया नशा मुक्त करने का जी। तो ये जो है ना आपस के अंदर मैं ये मानता हूँ कि मिलजुल करके हमने जहाँ इस नेक कार्य को पूरा करना है, एजुकेशन में अपने इलाके को आगे बढ़ाना है, स्पोर्ट्स के लिए हम कर ही रहे हैं और ज़्यादा करना है जी। और वहीं गौ सेवा और ये तमाम चीज़ें जब अच्छे अच्छे काम करेंगे तो नेचुरली लोगों का माइंड डाइवर्ट होगा, दिशाहीन को दिशा मिलेगी। तो दिग्विजय गांव-गांव में जा रहे हैं, एक एक गांव में पूरा पूरा दिन लगा रहे हैं, संकेत ये माना जाए कि डबवाली से इस बार चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, ऐसा है कि डबवाली से चुनाव लड़ना ना लड़ना या किसको टिकट मिलनी है ये तो पार्टी ने तय करना है जी। और पार्टी समय पर तय करेगी, मैं उस बात को कहने का वो नहीं हूँ, मगर मैं ये मानता हूँ कि ये क्षेत्र हमारा अपना परिवार है जी। और लंबे अरसे से पीछे दुष्यंत जी ने भी 4.25 सालों में अपनी कलम की ताकत से होने वाले कामों के लिए डबवाली के लिए कभी उसको कलम को रोका नहीं। ये हो सकता है कि हमारा कम आना हुआ हो क्योंकि पार्टी के विस्तार में बहुत सारा समय अन्य क्षेत्रों में लग गया, 2 साल कोरोना रहा, 1 साल किसान आंदोलन रहा, तो किसी ना किसी बहाने से जो है ना लंबा अरसा खींचेगा। तो अब हाँ सरकार में काम बहुत हुए मगर हम आ नहीं पाए, तो प्रयास रहे कि डबवाली पुलिस जिला तो बना, लेकिन अब जिला की दुष्यंत जी ने ये प्रतिबद्ध थे कि पुलिस जिला हम इसको बनाएंगे, और सामाजिक संगठनों की एक बड़ी मांग है कि इसको पूरा जिला बनाएं। और मैंने तो स्वयं सबसे पहले इस बात की आवाज़ उठाई थी आज से कई सालों पहले कि डबवाली को पूरा जिला बना देना चाहिए, उससे बहुत सारा इलाके का फायदा होगा, यहाँ का, कालावाड़ी का और इस पूरे क्षेत्र का। ये जो एक अगर जिला बन जाए तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमारे क्षेत्र को होगा, सिर्फ नशे वाले उस पर नहीं, इसकी डेवलपमेंट पर इसका बहुत ज़्यादा असर। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े दिग्विजय सिंह चौटाला, और आज मौजगढ़ की गौशाला में पहुंचकर गौशाला में शेड बनाने का ऐलान किया है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।